हेलो फ्रेंड्स, आसुसम किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है। त्योहारों की शुरुआत हो ही गई है, तो ऐसे में मीठे का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी। इस रबड़ी को आप किसी भी प्रकार से अपने इन त्योहारों में शामिल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को प्लीज पूरा देखें, पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दे रही हूँ, 2 टेबल स्पून है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून मैं कस्टर्ड पाउडर डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। दूध ठंडा ही लेना है, गर्म नहीं लेना है। और इसको हम साइड रख देंगे। एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ले ली है। मैंने अभी गैस ऑन नहीं करी है, बस मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है। इसमें 1 टेबल स्पून पहले पानी डालेंगे। पानी क्यों डाला है यह हम अभी जानेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 लीटर मिल्क, अगर ml में है तो 500 ml। तो ये मेरा जो 1 कप है ये 250 ml का है। तो हमने जो 1 टेबल स्पून पानी डाला है उसकी वजह से जो हमारा मिल्क है वो तले पर चिपक के जलेगा नहीं। तो ये 1/2 लीटर मिल्क मैंने इसमें डाल दिया है। ये लो फैट मिल्क है, यानी गाय का मिल्क है। तो आप इसकी जगह फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर लेना है आपको, डेरी वाइटनर पाउडर नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिल्क पाउडर और दूध को हम अच्छे से विस्क करते हुए मिला लेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, मैंने अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है। अब हम गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे। अब इसे हम स्पैचुला की मदद से चलाते रहेंगे ताकि इसमें एक बाल नहीं आ जाता है। दूध में बॉईल आने लग गया है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। आप चीनी इसमें कम भी डाल सकते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी चीनी होती है, वो मीठा होता है मिल्क पाउडर। तो चीनी के घुलने तक इसको ऐसे ही चलाएंगे। फ्लेम को हमें फुल पे ही रखना है अभी, क्योंकि इसमें अभी तक एक उबाल पूरी तरीके से नहीं आया है। दूध में देखिए अच्छे से बॉइल आने लग गया है, और थोड़ा थोड़ा जो दूध का जो कलर है वो चीनी डालने की वजह से चेंज हो गया है। तो अब फ्लेम को हम कर लेंगे फिर से लो टू मीडियम। अब मैं इसमें कुछ केसर के धागे डाल दूंगी एक अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला लेंगे पहले अच्छे से। अब इसे हम ऐसे ही 2 मिनट तक मिलाते हुए चलाएंगे, जिससे कि केसर अपना कलर रिलीज कर देगा और साथ ही खुशबू और फ्लेवर भी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे ऐसे ही मिलाते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारा पहले से ही बना हुआ कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट। तो ये इसमें डाल देंगे पूरा और जल्दी से मिला लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारा मिल्क है वो बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होने लग जाएगा। हमें ज़्यादा इसको पकाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं इसको बनाते हुए तो आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके भी दूध को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर चिपक जाएगा तले पे और जो हमारी रबड़ी है मलाई रबड़ी वो खराब हो सकती है। तो बस अब हम इसको तब तक मिला लेंगे जब तक कि ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं मुझे कस्टर्ड पाउडर के साथ इस मिल्क को पकाते हुए, और आप देख सकते हैं दूध थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ये काजू बादाम और पिस्ता है। आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। मलाई रबड़ी आ गई है, तो जो स्पैचुला है जब आप उसको इस तरीके से इसमें ड्रिप करते हैं जो मलाई रबड़ी है वो इसको अच्छे से कोट कर लेती है। तो परफेक्ट साइन है कि हमारी मलाई रबड़ी बनके रेडी है। गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा चलाते रहें जब तक इसमें हीट है, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा।
मोस्टली लोग यहीं पर गलती करते हैं कि गैस बंद करने के बाद वो उसको चलाते नहीं हैं, जिससे उसमें अगर हीट होती है, स्टैंड की भी होती है हीट और हमारी कढ़ाई की भी हीट होती है, जिसकी वजह से वो नीचे से चिपक जाती है और थोड़ा सा बर्न सा स्मेल आता है, जो उसमें टेस्ट आ जाता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यकीन ओरिजिनल मेथड भूल जाएं और इंस्टेंट मलाई रबड़ी बनाएं। ठंडी होने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चला दिया है। ठंडा होने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमारी इंस्टेंट रबड़ी ठंडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट हुई है। ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, सबको बहुत पसंद भी आएगी, क्योंकि इसका स्वाद सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इस इंस्टेंट रबड़ी को आप अपने घर में किसी भी व्यंजन की शान और मिठास बढ़ाने के लिए बना सकते हैं और ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और कम समय में बनने वाली रेसिपी है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को ये कितनी पसंद आई बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का करूँगी इंतज़ार। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें आंसू सोम किचन से। बाय बाय।